ये उत्पाद हम सामान को धोने वाले हैं अपने ट्रैक्टर से, और हमने अपने ट्रैक्टर की पेंटिंग भी करवा ली है। अलग अलग सामान ले जाने पर हमको अलग अलग पैसे मिलने वाले हैं। हम वही सामान लेकर जाएंगे जिसको ले जाने में हमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस बार हमको सामान को पहुंचाना होता है यहाँ बीच में खड़ा कर देंगे तो हमारा एक बार का मिशन पूरा हो जाएगा। चलो गेम को प्ले करते हैं। ये रुको, हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट ट्रैक्टर है और ये रुको हमारे पास दो ट्राली है जिसमें से हम कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन इस ट्राली को हम चुन रहे हैं। पिछले गेम हमने कुछ मिशन पूरे किए थे, उसके बाद हमने इस गेम को बंद कर दिया था। चलो इसमें और कुछ नए मिशन पूरे करेंगे और कुछ नए ट्रैक्टर खरीदेंगे या कुछ नई ट्राली खरीदेंगे। चलो मैं ट्रैक्टर को कनेक्ट करते हैं इस ट्राली से। ये देखो, मुझे थोड़ा पीछे से बाइक लेना था, कोई बात नहीं है, यहाँ से थोड़ा पीछे करते हैं, उसके बाद बाइक लेते हैं। रास्ता तो काफ़ी ख़राब रहता है, अगर हमारा एक भी पहिया नीचे चला गया तो हमारा ट्रैक्टर या ट्रॉली पलट पलट जाएगा, तो साथ में दोनों पलट जाएंगे। देखो तो पहिया नीचे जा चुका है और यदि यह सामान नीचे गिर गया तो हमें दोबारा रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा। एक भी सामान नीचे गिरना नहीं चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। ये देखो बहुत सारे सामान भी होते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जिसमें ले जाने का पैसे मिलते हैं उसके सामान को हम लेकर जाते हैं। हिसाब से हमें देखो लेफ्ट साइड में जाना है, जो राइट साइड में गुलाबी कलर में दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें पहुँचाना कहाँ है। मैप के सारे आगे जा रहे हैं, ये देखिए ये लोग भी पलट चुके हैं और एक पहिया नीचे जा चुका है ट्राली का, लेकिन कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके इसे ऊपर ले आए हैं।
चलो थोड़ी टाइम हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन देखते हैं अगर कहीं रोड खराब ना हुआ तो। इस बार हम काफ़ी धीरे धीरे अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। जहाँ पर ढाली होता है वहाँ पर हमको ब्रेक लेना पड़ता है। अगर हम ब्रेक नहीं लगे तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्रेक लेकर नीचे उतारना होता है। यहाँ पर देखिए जिससे ढाली है, यहाँ पर यदि हम ब्रेक नहीं लेंगे तो हमारी गाड़ी इतनी स्पीड आएगी कि हम संभाल नहीं पाएंगे और ये पलट जाएगी। वो ब्रेक लेकर हम नीचे उतार रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ेगा। हमको थोड़ा पीछे से ही घूमना था। और जहाँ पर देखें सामान पहुँचा दिए हैं, और इसके बदले में हमें कुछ पॉइंट मिलने वाले हैं। देखें कितने पॉइंट हैं, ये देखिए 750 पॉइंट हमको मिले हैं सामान को पहुँचाने पर। इस बार फिर से हमको सामान ले जाना होगा और कुछ और पॉइंट मिलेंगे। इस बार करीब 2500 पॉइंट पर हमको कुछ नए सामान मिल जाएंगे। पॉइंट में ट्रॉली ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं या फिर कुछ और सामान। अभी तक तो बचा हुआ है, लेकिन शायद पलट जाए। फिर घुमाता दो ऑप्शन है, पुल से भी लेकर जा सकते हैं साइड से भी, लेकिन साइड से लेकर जाएंगे तो यहाँ इतना उधर खराब रहता है कि इसमें जरूर पलट जाता है, यानी कि कोई ना कोई सामान नीचे गिर जाता है। इसलिए राइट साइड से जगह होने के बावजूद भी हमें पुल से ही ले जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। अगर हमने ज़रा सा भी झटका दे तो हमारा ये पुल टूट सकता है। इस बात का भी हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। ये देखो वैसे ही पूरा, ओहो, ये देखो थोड़ा सा बच गया और सारा सामान हमारा नीचे गिर गया। इस बार हमें कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाले, रिवार्ड जीरो हो गया और सामान भी हमें दोबारा ले जाना पड़ेगा। थोड़ी सी गलती की वजह से हम नहीं तो 750 पॉइंट मिल जाते, यानी कि हम दो बार और ले जाते, उसके बाद हम एक नया ट्रैक्टर खरीद सकते थे। चलो फिर से लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमें दिया हुआ है कि हम अपने पावर कितना यूज कर करना चाहते हैं, लेकिन फ्री पर करते हैं तो स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, किसी भी जगह पर वो आसानी से जा सकता है, लेकिन संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर टाइम लो पर ही चलाते हैं ट्रैक्टर को। फिर भी हम काफ़ी स्पीड में लेकर चल रहे हैं ट्रैक्टर को। ये देखिए ये वही रोड है जिस रोड से हम पिछली बार आए थे, और इस बार भी हमको सामान वहीं पर ले जाना है। ये देखो पेट्रोल अभी भी पलटा हुआ है, इसको इसने अभी तक सही नहीं किया है।
चलो हमको इसी पानी का मैप यहाँ तक लेकर चलते हैं, शाम पहुँचाएंगे जल्दी से, जिसके बदले में कुछ टाइम मिलेंगे और हमको कुछ नई ट्राली खरीदनी है और हमें मैंने ट्रैक्टर की भी स्पीड वगैरह सही करनी है। इससे पहले हम सोच रहे थे एक नया ट्रैक्टर ले, लेकिन हमें मजबूरी में एक ट्राली नई लेनी पड़ी क्योंकि उस ट्राली से बार बार सामान गिर जा रहा था और ज़्यादा सामान के लिए हम नहीं ले जा पा रहे थे। अब की बार अगर हमारे पास टाइम होते हैं करीब 5,000 टाइम, तो उसके बाद हम नया ट्रैक्टर लेने वाले हैं। ये तो हम पहुँचने वाले हैं, थोड़े का ही टाइम में अभी हम पहुँच जाएंगे। राइट साइड में आप मैप को देख सकते हैं, वहाँ उसी को देखते ही हमें अपने ले जाना होता है और दोनों साइड में काफ़ी गहरा खड्डा होने की वजह से या सड़क काफ़ी ऊंची होने की वजह से अगर एक भी पैसा नीचे जाता है तो हम गेम हार जाएंगे। इस वजह से हमें काफ़ी सावधानी से सामान को ले जाना होता है। ये भी सामान नीचे गिर गया है, हमारी ट्राली पलट गई, तो वही काम हमको दोबारा करना पड़ेगा और उसके लिए हमें इस बार के सारी टाइम को भी गवाना होगा। ये देखो यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, थोड़ा सा हमको बाइक लाना पड़ेगा, उसके बाद हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा गड़बड़ था। यहाँ से बाइक लेकर चलते हैं, उसके बाद हम घुमाते हैं अपनी गाड़ी को। यहाँ से हम अपनी गाड़ी को लेकर जाएंगे, इस बार पुल पर काफ़ी सावधानी से लेकर जाएंगे क्योंकि पिछली बार पुल पर ही हमारी ट्राली फंस चुकी थी जिसकी वजह से सारा सामान नीचे गिर गया था। इस बार हम काफ़ी सावधानी से लेकर जाने वाले हैं। एक भी झटका लगे या लगेगा तो सीधा सामान नीचे गिर जाता है। ये देखो इस बार हम काफ़ी सीधा है हमारा ट्रैक्टर के साथ, हमको ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। हमको लग रहा है इस बार भी पलट जाएगा, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लेकर चलेंगे। ये देखो एक पलटने वाला है, लेकिन हम इतना आराम से लेकर जा रहे हैं कि इसको पलटने नहीं देंगे। बीच में थोड़ा थोड़ा पुल भी टूटा गया जिसकी वजह से, ये देखो अगर थोड़ा सा भी फंस गया पुल में तो फिर से ये पलट जाएगा। बहुत हल्का सा बचा गया लेकिन इसमें से हमको निकालना है। बाइक ये नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा बाइक करने पर भी अगर पुल टूट गया तो भी हमारा ही नुकसान होने वाला है। ये देखो मैं धीरे धीरे करके ट्रैक्टर को निकाल लिया है और केवल ट्राली बची हुई है, चलो हमने इसको भी निकाल लिया है।
चलो हम पहुँचने वाले थोड़ी टाइम में हम पहुँच जाएंगे। देखो लेफ्ट साइड में जहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, यानी कि जिसको आर भी बोलते हैं, ये देखो ये का निशान यहाँ पर है। वहाँ पर हमको अपना ट्रैक्टर खड़ा करना है। ये देखो हमारा मिशन फाइनल हो चुका है। 750 का हमें रिवार्ड के रूप में मिल चुका है। अब हम कुछ नए ट्राली और कुछ नए ट्रैक्टर खोजने वाले हैं, जिसको हम अगली गेम में दिखाएंगे।